जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल पहुंची अपने इंडक्शन के और करीब। इसरो के सबसे हैवीएस्ट रॉकेट ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया अपना पहला कमर्शियल मिशन। पहला तेजस MQ-1A फाइटर डिलीवर होगा फरवरी 2024 में। HAL को मिली है कई देशों से उनके हेलीकॉप्टर्स को लेकर इंक्वायरीज, और US आर्मी ने लगभग 80 सालों के बाद तैनात करी यूक्रेन के पास अपनी एक खास डिवीजन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये त्यौहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। और हाँ, बाकी अगर आज के एपिसोड में बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ सुनाई दे तो बस समझ जाना कि सेलिब्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और वैसे भी आज का दिन काफ़ी खास रहा है, और एक खास क्यों रहा है तो आप ये बात क्रिकेट प्रेमी से पूछिए। तो जैसे कि अभी हाल ही में DRDO ने Agni-P यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो इससे जुड़ा एक अपडेट यह है कि Agni-P मिसाइल के इस लेटेस्ट परीक्षण के साथ ही इस मिसाइल ने अपने विकास परीक्षणों को पूरा कर लिया है। और इस सफलता के साथ ही ये मिसाइल अपनी मास प्रोडक्शन और इंडियन आर्म फोर्सेज की सर्विस में फॉर्मल इंडक्शन के और करीब पहुंच चुकी है। और अब भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड द्वारा जल्द ही इस Agni-P मिसाइल के यूजर ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। और इस मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में इंडक्ट होने के बाद जो अग्नि प्राइम मिसाइल है वो Agni-5 मिसाइल के साथ 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज पर प्राइमरी डिटरेंट के तौर पर काम करेगी, जबकि Agni-5 रीजनल एडवर्सरीज के खिलाफ एक फुल कवर प्रोवाइड करेगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर भारत सरकार अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को रिवाइज करती है और लॉन्ग रेंज के डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए अप्रूवल दे देती है, तो फिर DRDO Agni-5 से भी अधिक की रेंज वाली मिसाइल्स को बनाएगी। और सीधी सी बात है कि यहाँ पे बात हो रही है Agni-6 की। हालांकि Agni-6 मिसाइल वाला जो प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर समय समय पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिलती रहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं काम चल रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं काम नहीं चल रहा है। अब सच्चाई क्या है वो तो खैर किसी भी ऑफिशियल कमेंट के बाद ही कोई कह सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर कन्फर्म है कि Agni-6 मिसाइल को बनाने के लिए DRDO ऑलरेडी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को विकसित कर चुकी है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सबसे हैवीएस्ट रॉकेट LV-M3, जिसे आप GSLV-M3 के नाम से भी जानते हैं, तो इस रॉकेट ने सफलतापूर्वक अपने पहले कॉमर्शियल मिशन को कंडक्ट किया है, जिसमें OneWeb की 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। इस मिशन की खास बात यह थी कि पहला तो यह कि यह GSLV-M3 का पहला कॉमर्शियल मिशन था, दूसरा यह इसका पहला मल्टी सैटेलाइट मिशन भी था, तीसरा यह कि पहली बार इस रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, चौथा यह कि 6 टन के पेलोड के साथ ये पहला इंडियन रॉकेट था, पांचवा यह कि इसरो के कॉमर्शियल आर्म NSIL का LV-M3 के साथ ये पहला मिशन था, और छठा यह कि NSIL के साथ ये OneWeb का भी पहला मिशन था। और रॉकेट्स के लॉन्च होने के करीब 75 मिनट्स के बाद सभी 36 सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक ऑर्बिट्स में इंजेक्ट कर दी गई थी। बाकी इसके अलावा ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया है कि इसरो के अगले साल यानी कि 2023 के लिए भी काफ़ी अच्छे खासे प्लान्स हैं, जिसमें कॉमर्शियल और नेविगेशन मिशंस के साथ सन और मून मिशंस भी इंक्लूड हैं। ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि सीमा पर ड्रग्स, आर्म्स, एम्युनिशंस, तो इन सभी को एयर ड्रॉप करने के लिए ड्रोन्स की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू है। और पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के अलग अलग पॉइंट्स पर इस साल करीब 150 ड्रोन एक्टिविटीज नोटिस की गई हैं, और जो ये ड्रोन्स हैं ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज अभी भी बने हुए हैं। ऑफिशियल के मुताबिक नार्कोटिक्स, आर्म्स, एम्युनिशंस, तो इन सब की स्मगलिंग के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल वाली जो घटना थी, तो पंजाब में उसे सबसे पहले 2019 में नोटिस किया गया था। और जबकि इस साल पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर करीब 10 ड्रोन्स को शॉट डाउन भी किया गया है। और ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI द्वारा समर्थित जो स्मगलर्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ भी बहुत कम होती है और वो हायर लेवल पर उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन फर्म गरुड़ एरोस्पेस ने इसराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ एक MOU साइन किया है, और जिसके तहत वे इसराइली कंपनी के साथ मिलकर इनिशियली 2 Skylark-3 ड्रोन्स को विकसित करेंगे, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा भारत सरकार की स्वामित्व स्कीम के तहत गांवों की लार्ज स्केल सर्विंग और मैपिंग के लिए। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिमाइंड करा दें कि दीपावली के पावन अवसर पर हमारे सारे ईबुक्स पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो कि केवल 25 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा। और इस ऑफर के तहत अगर आप हमारी कोई भी ईबुक बाय करते हैं तो वो आपको मिलेगी 50% डिस्काउंट के साथ। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इन ईबुक्स को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इन्हें बाय कर सकते हैं। HAL के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से कन्फर्म किया गया है कि जो पहला तेजस Mk-1A फाइटर है वो फरवरी 2024 को डिलीवर करने के लिए शेड्यूल किया गया है। लेकिन ऑफिशियल का यह भी कहना था कि पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी वे एडवांस में करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो पहले तेजस Mk-1A फाइटर से, तो उनकी डिलीवरी 31 मार्च 2024 से पहले होनी है। और बाकी HAL की पूरी कोशिश है कि शेड्यूल टाइम के अनुसार ही ये फाइटर्स डिलीवर किए जाएं। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया कि डिफेंस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए
जो अर्जेंटीना का डेलीगेशन भी भारत पहुंचा था। तो अपनी इस भारत विजिट के दौरान उन्होंने HAL की फैसिलिटीज को भी विजिट किया है और जहां उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH के कुछ टेस्ट फ्लाइट्स को भी कंडक्ट किया है। हालांकि उम्मीद तो इस बात की भी जताई गई थी कि जो अर्जेंटीना का डेलीगेशन है वो LCA तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की टेस्ट फ्लाइट्स को भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो केवल LUH को लेकर है। और जबकि HAL के सीनियर ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि HAL द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर्स के लिए उन्हें कई देशों से इंक्वायरीज मिली हैं और एक बार इन हेलीकॉप्टर्स के लिए कोई ब्रेक थ्रू ऑर्डर मिलने के बाद तो फिर इनके आगे के एक्सपोर्ट्स के लिए और भी कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। बाकी अभी वर्तमान समय में HAL की जो हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है तो बेंगलुरु वाले प्लांट में वो 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर है और तुमकुर वाले नए प्लांट में भी 30 है, लेकिन ऑफिशियल का ये कहना है कि जरूरत पड़ने पर इस कैपेसिटी को 30 से 60 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। तो चीन की आम जनता का भयानक सपना चीन के तानाशाह शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही सच हो गया है। और इस बार शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का करीब 4 दशक पुराना एक नियम भी टूट गया है। आपको बता दें कि 1982 में चीन ने सर्वोच्च पद पर केवल 10 साल के कार्यकाल का ही नियम बनाया था, लेकिन शी जिनपिंग को 5 और वर्षों तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को भी साइड कर दिया गया है। और इतना नहीं बल्कि इस बार चीन की केंद्रीय समिति के सदस्यों की सूची में कई सारे लीडर्स के नाम तक हटा दिए गए और CCP के नए पोलित ब्यूरो में 2 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं है। सीधे सीधे कहा जाए तो शी जिनपिंग ने पोलित ब्यूरो स्थायी समिति में अपने ही सहयोगियों को शामिल कर लिया है। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरी तरीके से शी जिनपिंग के कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल किस लेवल तक का होगा तो ये तो आप कल की वीडियो में देख ही चुके हैं, जब चीन के पूर्व राष्ट्रपति को जबरदस्ती हॉल से बाहर निकाल दिया गया था। और तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति का पद संभालने के साथ ही शी जिनपिंग की तरफ से एक बयान में ये भी कहा गया कि दुनिया को चीन की जरूरत है, चीन दुनिया के बिना विकसित नहीं हो सकता है और दुनिया भी चीन के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए हमें अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है और दुनिया में हमारे योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। वैसे सही भी है कि दुनिया में चीन के योगदान को वाकई में नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का चाइनीज वायरस चीन ने फैलाया वो अभी तक दिक्कतें दे रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि चीन के योगदान को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। और बाकी शी जिनपिंग का कार्यकाल किस तरह का रहा था तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के इस कांग्रेस मीटिंग से पहले चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि चीन की जनता शी जिनपिंग को अपने लीडर के तौर पर देखना नहीं चाहती है। वो बात अलग है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का इस तरह के प्रोटेस्ट को दबाने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। और इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ बैनर की इमेजेस भी सामने आई थी तो उनमें से एक इमेज ऐसी भी थी जिसमें ये भी लिखा गया था कि डोंट बी अ स्लेव बी अ सिटीजन, गुलाम नहीं बनो बल्कि नागरिक बनो। और जबकि एक बैनर तो ऐसा था जिसमें शी जिनपिंग को सीधे सीधे तौर पर एक तानाशाह कहा गया था। और बाकी शी जिनपिंग ने अपने कार्यकाल में कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन एक चीज जरूर करी है और वो है सेंसरशिप, कि किस तरीके से उनकी तरफ उठने वाली आवाजों को सेंसर कर दिया जाए। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया कि रशिया यूक्रेन के तनाव के बीच लगभग 80 वर्षों में पहली बार US आर्मी ने अपनी 101 एयरबॉर्न डिवीजन को यूरोप के लिए भेजा है। और US आर्मी की ये एयरबॉर्न डिवीजन स्क्रीमिंग ईगल्स के नाम से जानी जाती है, जो कि एक लाइट इन्फेंट्री फोर्स है जो कि घंटे भर के अंदर किसी भी बैटलफील्ड में पहुंचकर कॉम्बैट में एंगेज करने के लिए ट्रेंड है। और US आर्मी की इस डिवीजन की जो तैनाती है वो यूक्रेन से कुछ ही दूरी पर हो रही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्हें मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1997 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सज्जन सिंह गहलावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का सवाल, भारत का जो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है तो उसे कब एस्टेब्लिश किया गया था। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।